गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू टिक द करेक्ट आंसर। आज हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, इसके जैसे ही आपने प्रॉपर्टीज़ के कंसेप्ट क्लियर किए थे, अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो आप टिक द करेक्ट आंसर भी कर सकते हो। देखो, फर्स्ट वन इज़ 50 डिवाइड 50। 50 को अगर 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? अगर 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। जब हमारा डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों सेम होते हैं तो हमारा आंसर, मतलब क्वेश्चन क्या आता है? 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ 0 डिवाइड 40। 0 को 40 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? 0। 0 से 40 को डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? 0। अब देखो, नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू ऑफ 40 डिवाइड 0। 40 को 0 से डिवाइड करने पर, देखो अगर 0 को 40 से डिवाइड करते हो आप, 0 को 40 से डिवाइड करते हो अगर आप, तो आएगा 0। लेकिन अगर 40 डिवाइड 0 हो, 40 डिवाइड 0 मतलब हमारा डिवाइज़र अगर 0 हो, डिवाइज़र क्या हो? 0, तो क्या होती है वो डिवीज़न नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या है वो? नॉट डिफाइंड। अब 9 डिवाइड 81, 9 को 81 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा? 9 के टेबल में 81 कहाँ आता है? 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। नेक्स्ट वन इज़ इन 46 डिवाइड 2। 46 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है? 23। 46 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 23। तो अब हमें बताना है डिविडेंड क्या है इसमें। 46 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? 23। तो डिविडेंड क्या है इसमें? डिविडेंड क्या होता है? जिसको डिवाइड किया जाता है। डिविडेंड हमारा क्या है? 46। ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइज़र। और आंसर क्या होता है? कोशियंट। आंसर क्या होता है? कोशियंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है? 46। डिविडेंड क्या है? 46। ये टिक द करेक्ट आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।